Hi guys, my name is Sunny Sol and in this video I am going to teach you how to do smooth shading. तो ये सीखने के लिए वीडियो देखते रहिए और मेरी आवाज सुनते रहिए. Okay, let's start shading. But एक बात आप अच्छे से जान लें कि ये smooth shading करना बहुत आसान है अगर आप इस tutorial और मेरे बताए गए steps को अच्छे से follow करोगे तो. इस tutorial से आपके बहुत सारे queries और doubts clear हो जाएंगे और आप जो shading में patches आने की problem face करते हो वो भी इससे clear हो जाएगी. तो let's start shading. सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसके जो outlines हैं यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूंगा सो दैट इसकी जो outline हैं वो हम शेडिंग करने के कारण वो इसके साथ मर्ज ना हो जाए और बाद में हमको इसको फिर से डिफाइन करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. पहले हम इसको आउटलाइन कर लेते हैं. आई एम यूजिंग टैडलर डबल ई. आप 8B पेंसिल और कैमलिन सॉफ्ट भी यूज कर सकते हो इसके लिए. हेयर के एजेस हमने अच्छे से डिफाइन कर दिए. अब हम इस पे शेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं. मैं अगेन कोहिनूर की पेंसिल यूज कर रहा हूँ. इसकी 2H ग्रेड मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये ना तो बहुत ज्यादा डार्क है और लाइट भी इतना नहीं है कि आपको दिखाई ना दे. और बेस टोन क्रिएट करना इतना जरूरी है कि अगर आपने बेस टोन क्रिएट की होगी तो ये अपर जो इसकी लेयर्स होंगी HP ग्रेड की 2B 4B और 8B वो इनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है और सपोर्ट कर सकती है. और कई बार आप जो पैचेस की प्रॉब्लम वगैरह फेस करते हो तो ये भी एक रीजन है कि आप स्टोन वगैरह नहीं देते. अगर बहुत डार्क एरिया हो तो आप इसको रहने भी दे सकते हो बट अगर इस रेफरेंस जैसे लाइट एरिया हो तो ये तो मस्ट है. और एक आपको आइडिया भी रहता है कि आपने किस पॉइंट पे कितनी शेडिंग करनी है और आप धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हो और कुछ जो मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं. और जब आपने शेडिंग ऐसे करनी है तो पेंसिल का फ्लो बिल्कुल एक जैसा रखना है. क्रिस क्रॉस नहीं होना चाहिए. क्रिस क्रॉस करोगे तो फिर आपको शेडिंग करने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. वो ज्यादा सही से नहीं लगेगी. और पेंसिल को जिस तरीके से मैंने होल्ड किया हुआ है अराउंड 3-4 के डिस्टेंस पे तो आपने भी इसी तरीके से होल्ड करना है. इसके साथ ये होता है कि पेंसिल पे ज्यादा फोर्स नहीं जाती और बहुत स्मूथली ग्रेफाइट इसके ऊपर सरफेस पे आता है. एक लेयर पूरी तरह आपने इसके साथ कवर कर लेनी है. उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर सकते हो. ब्लेंडिंग आपने सॉफ्ट टिश्यू से करनी है और जिस एरिया पे सॉफ्ट टिश्यू आप नहीं यूज कर पाओगे लाइक ऑन दिस एरिया उस जगह पे आप सॉफ्ट ब्रश या फिर ईयरबड भी यूज कर सकते हो. आई विल शो यू हाउ टू डू दैट. अभी हम इसकी फर्स्ट लेयर को हम ब्लेंड कर सकते हैं. आई एम यूजिंग सॉफ्ट टिश्यू. आपने सर्कुलर मोशन में इसको ब्लेंड करना है. एक्चुअली ज़्यादा इफेक्टिव रहता है वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. सर्कुलर करो या फिर आप क्रिस क्रॉस कर लो या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में. जब एक जगह से टिश्यू ज़्यादा गंदा हो जाए तो आप एक उसकी क्लीन साइड यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो जब आपने लाइट टोन पे शेडिंग करनी हो. अभी इतना हो जाने के बाद अब मैं HP पेंसिल ग्रेड यूज कर रहा हूँ. अभी हम इसकी साइड्स पे जो हल्का सा डार्कर टोन है हम अभी उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे. हमारा ये मिशन होना चाहिए कि हमने इतने लेयर में हमने वो फाइनल टोन हमने अचीव करनी है. बस आपने धीरे धीरे लेयर बढ़ाते जाना है. उसकी टोन्स को आपने इंक्रीज करते जाना है जब तक कि आपको डिजायर्ड वैल्यू ना मिल जाए. रियलिज्म अचीव करना है तो इतना तो करना पड़ेगा. काम बहुत आसान है. बस स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए और प्रैक्टिस आप अच्छे से अगर करोगे तो. इसके सेंटर में अभी मैं 2H की एक और लेयर बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा डार्क टोन नहीं चाहिए. नाउ आई कैन ब्लेंड इट. समटाइम्स ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं बट नो प्रॉब्लम. आप नीडेड इरेजर से इसको लिफ्ट ऑफ कर सकते हो. अगेन यूज दी क्लीन साइट. समटाइम्स जो शेडिंग करते वक्त पैचेस बन जाते हैं उसका रीजन ये भी होता है कि शीट पे इरेगुलरिटीज होती हैं. हमारी शीट बिल्कुल प्लेन नहीं होती तो उसके कारण भी कई बार पैचेस बन जाते हैं बट उनको रिमूव किया जा सकता है. अभी मैं एक और 2H पेंसिल से इसके ऊपर लेयर बनाऊंगा. नंबर ऑफ लेयर्स बनाने से एक तो ये भी बेनिफिट है कि क्योंकि शीट पे हम जब शेडिंग वगैरह करते हैं तो उनके कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से ग्रेफाइट नहीं चढ़ता तो बार बार शेडिंग करने के बाद वो भी अच्छे से कवर हो जाते हैं और फिर आपको जो माइन्यूट पैचेस होते हैं कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जिसके ऊपर नहीं चढ़ा होता ग्रेफाइट और वाइट वाइट पॉइंट्स रह जाते हैं तो वैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती इसमें. अभी सेकंड लेयर. नाउ आई एम यूजिंग HP ग्रेड पेंसिल. अभी सिर्फ डार्कर पोर्शंस पे मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ नॉट ऑन दी लाइट टोन्स. नाउ अगेन ब्लेंड दिस लेयर. एक और बात आप अच्छे से जान लें जब भी आपने ब्लेंडिंग वगैरह करनी है तो आप पहले लाइटर टोन्स की ब्लेंडिंग पहले कीजिए उसके बाद डार्कर टोन्स की कीजिए. नहीं तो जैसे पहले मेरे से गलती हुई वैसी गलती आपसे भी हो सकती है. डार्कर टोन्स करने के बाद जब हम लाइट की तरफ जाते हैं तो कई बार उसका डार्क पोर्शन लाइट की तरफ आ जाता है. अभी इसके ऊपर चारकोल लगा था इसके कारण ये थोड़ा सा फैल गया बट
आई विल टेक केयर ऑफ इट। और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B ग्रेड की पेंसिल, जो ये डार्कर टोन्स है, अभी उसको हम बनाएंगे। ये तो पोर्ट्रेट बनाते वक्त आपने पहले रेफरेंस को अच्छे से स्टडी भी करना है कि उसकी लाइटर टोन्स कौन सी हैं, उसकी डार्कर टोन्स कौन सी हैं, उसकी मिड टोन्स कौन सी हैं और उसकी हाइलाइट्स कौन सी हैं। जैसे कि इसमें हाइलाइट्स इस पोर्शन पे हैं, लो टोन्स इस पे हैं, यहाँ पे मिड टोन्स आ रही हैं इसकी और यहाँ पे इसकी हाई टोन्स हैं। बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, बट ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी जैसे जैसे इंप्रूव होंगी काम करते करते आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनेगी बाद में, बट पहले आप इसको अच्छे से समझिए। Now let's blend this layer. आप इसके आईब्रोज के अराउंड ईयरबड्स के साथ भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। एक लेयर मैं और बना रहा हूँ इसके ऊपर 2H के, क्योंकि एक टोनल वैल्यूज की जो एक ग्रेडियंट फील होती है वो भी आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि धब्बे लगने शुरू हो जाएंगे कि इस तरफ एकदम से लाइट है और इस तरफ एकदम से डार्क, तो एक ग्रेडियंट इफेक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए इन दोनों लेयर्स के दोनों टोन्स के बीच एक छोटा सा ब्रिज बना रहा हूँ, सो दैट एक स्मूथ इफेक्ट बने। स्किन की टोनल वैल्यूज तो अच्छे से बन गई, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा रियलिज्म इफेक्ट लाने के लिए इसके ऊपर जो ब्लेमिशेज है या फिर इसके जो फेशियल हेयर हैं और जो माइक्रो हाइलाइट्स हैं हम अभी उसको बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, जो इसके जो फेशियल ब्लेमिशेज हैं तो आपने हल्की हल्की सी डिटेल्स देनी है और बाद में हम इसको हल्का सा ब्लेंड कर देंगे। बाद में हम फेशियल हेयर बनाएंगे एंड देन हाइलाइट्स। आई एम यूजिंग 2B पेंसिल फॉर दैट, इट्स लेड इज टॉम्बो। ब्लेमिशेस बनाने के बाद अभी हम इसको सॉफ्ट ब्रिसल से हल्का सा शेड कर सकते हैं, हल्का सा करना है आपने, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो जाती जाएंगी। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको याद हो तो हमें अभी माइक्रो लाइंस बनानी है। इसके ऊपर हेयर लाइंस भी हैं कुछ और कुछ फेशियल लाइंस भी हैं, वो भी हम बनाएंगे। जो हेयर के एज लाइन पे पार्शियल हेयर है फेस के ऊपर, पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं 4B ग्रेड की पेंसिल से। अभी हम फेशियल माइक्रोलाइंस बनाएंगे। आई एम यूजिंग HP ग्रेड 0.3 mm पेंटल मैकेनिकल पेंसिल। हमने ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट नहीं करना, थोड़ी सी डॉर्मेंट रहे सो दैट ये डिटेल्स रहें भी और दिखेंगी भी नहीं जब तक कि आप नज़दीक से ना देखो, बट ये इफेक्ट देंगी रियलिज्म का। बस आपने धीरे धीरे हल्के से लाइट टेक्सचर से बनानी है, जितनी रिक्वायर्ड है बस उतनी बनानी है। ज़्यादा करोगे तो ओवर लगेगा, कम रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट ओवर ना लगे। Now let's move on to our last step. अगर आपको याद हो तो लास्ट स्टेप में हमने माइक्रो हाइलाइट्स बनानी है। मोनोजीरो इरेजर को आपने एंड से फ्लैट कट कर लेना है और इस तरीके से धीरे धीरे आपने स्मॉल स्मॉल माइक्रो हाइलाइट्स बनानी है। जिस जगह पे आपको एक्सट्रीम वाइट हाइलाइट चाहिए तो उस जगह पे आप वाइट चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको हाइलाइट्स पॉइंट्स में बनाने हैं तो आप वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो। आई एम यूजिंग सकुरास जेली रोल पेन। इस तरीके से आप पॉइंट्स लगा के आप थोड़ा सा इसको प्रेस कर सकते हो सो दैट एक स्मूथर इफेक्ट आए इसके। और अब हम इसके जे वाला जो पोर्शन है इसको भी हम शेड कर लेते हैं। आई एम अगेन यूजिंग 2H पेंसिल फॉर द बेस लेयर। जहाँ पे शेडेड एरिया है सिर्फ वहीं पे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, बाकी एरिया पे पूरी तरह से हाइलाइटेड है तो उसको हम बाद में इसी तरीके से हाइलाइटेड रहने देंगे और माइन्यूट डिटेल्स जो देनी होगी वो हम बाद में देंगे। हेयर आई एम यूजिंग ईयरबड टू ब्लेंड दिस एरिया। अभी मैं यहाँ हाइलाइट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, हाइलाइट्स के बाद हम माइन्यूट डिटेल्स देंगे। इस पोर्शन पे हाइलाइट्स के लिए मैं अभी जनरल चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन एक्सट्रीम वाइट है सो चारकोल से इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा।
और जहाँ पे मुझे पॉइंट हाईलाइट्स देने होंगे मैं वहाँ पे जाली रोल पेन यूज़ करूँगा। अभी इसको भी मैं थोड़ा सा समझ कर सकता हूँ। एक क्लीन साइड आप यूज़ कीजिए ईयरबड की और इस तरीके से सॉफ्टली इसके ऊपर रोल ऑन कीजिए। और अभी आप सेकंड लास्ट स्टेप मेरा है माय न्यू डिटेल से ना, धीरे धीरे से डिटेल देनी है। अगर आपके पास 0.3 mm पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल है 0.5 mm की तो आप थोड़ी सी उसको सैंडिंग करके आप उसकी एक पिन पॉइंट निब बना सकते हो। उसके साथ भी ऐसी माइन्यूट डिटेल्स देना बहुत इजी हो जाता है, या फिर आप अपनी एक वुडन पेंसिल के साथ कर लो। और अभी सॉफ्टली एक सॉफ्ट ब्रश इसके ऊपर यूज़ कर लीजिए थोड़ा सा इसको ले डाउन करने के लिए। और अब फाइनली आप इसके ऊपर माइक्रो डॉट्स वगैरह डाल सकते हो हाइलाइट्स के। ये वाली भी चारकोल पेंसिल है, ये एक्चुअली कॉन्टिया पैरिस की है। इसका लेड थोड़ा सा डिफरेंट क्वालिटी का है। जब कभी मेरे पास जनरल की चारकोल पेंसिल नहीं वर्क करती इस सरफेस के ऊपर तो मैं ये वाली पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। सो फाइनली फोरहेड ड्राइंग इज रेडी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नोज की रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो देन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। Next tutorial video how to shade a realistic nose will be posted soon on this channel. So please subscribe this channel and press the bell icon on so you will never miss my any upcoming video. And thank you so much for watching. Wait for the next video.